हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 7 अकाउंटिंग इक्वेशंस मॉड्यूल 7 और टॉपिक आपको पता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर का। 18 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जो हम यहां सॉल्विंग टुडे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन आपके चैप्टर का, जिसमें लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरह का ये बना हुआ है चार्ट जिसमें एक क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं जगह जगह पे। जहां जहां क्वेश्चन मार्क लगा है इसको आपको फिलअप करना है, यही आपको क्वेश्चन है। और ये फिलअप कैसे होगा इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, काफी कुछ बताया भी जा चुका होगा आपको। ये जो इक्विटीज होती हैं ये होती हैं हमारा लाइबिलिटी साइड, और ये जो असेट है ये बैलेंस शीट का असेट साइड होता है। अंदर बैलेंस शीट थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे बैलेंस शीट आपने देखा होगा ये असेट साइड होता है, जितना लाइन बिल्डिंग प्लांट मशीनरी बहुत सारी चीजें असेट्स भी लिखते हैं, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है। और इधर लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज में एक होती इंटरनल और दूसरी होती एक्सटर्नल। इक्विटी का मतलब लाइबिलिटी साइड ही है, ये इंटरनल इक्विटी और एक एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी में कैपिटल वगैरह आता है, जैसे जो भी या पीएल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी पैसा प्रोप्राइटर का है, फर्म के ओनर का है, वो पैसा इंटरनल इक्विटी कहलाता है। और जो पैसा बाहर से आया है आउटसाइड सोर्सेस से, चाहे वो बैंक का लोन हो, बैंक लोन हो, बिल्स पेबल हो, क्रेडिटर्स हो, क्रेडिटर्स मीन्स जो हमारे सप्लायर्स हमको उधार पर सप्लाई करते हैं, ये जो पैसा है ये सब भी हमको फाइनेंस करते हैं। बैंक लोन से भी अफेक्ट क्रिएट होती है, डीपी से, क्रेडिटर से। ये जितनी भी इक्विटी दिख रही है आपको ये एक्सटर्नल इक्विटी है। तो इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी ये जब दोनों जुड़ जाएगा तो ये टोटल इक्विटी आ जाएगी आपको, और टोटल इक्विटी मीन्स टोटल असेट। तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, इससे ये फॉर्मूला बनता है आपको टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी जब ये टोटल इक्विटी को देखिए दो पार्ट में है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इन्हीं दो फॉर्मूले पे ये चारों पांच पॉइंट सॉल्व हो जाएंगे। तो जरा इसको देखते हैं, टोटल असेट इक्वल टू टोटल इक्विटी, ये फॉर्मूला हमारा कह रहा है। ये तो डैश लगा दिया, ये आपको ये नहीं चाहिए, ये अमाउंट आपसे नहीं पूछ रहा, तो क्वेश्चन बार बार अमाउंट पूछ रहा है। तो टोटल असेट इक्वल टू टोटल इक्विटी मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। तो जो अमाउंट यहाँ है वही अमाउंट यहाँ 30,000 का फिलअप हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका कौन सा अमाउंट आ जाएगा 30,000, या नोट करते चाहिए इसको। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप सॉल्व करेंगे पॉइंट नंबर 1 कि टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी यहां पे लिखेंगे 30,000 इज इक्वल टू टोटल इक्विटी। तो टोटल इक्विटी इक्वल टू 30,000 और टोटल इक्विटी इक्वल टू 30,000। बहुत ही है, कुछ नहीं करना है, जो इधर वो इधर। फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में टोटल असेट गायब है, इधर भी गायब है, तो जो इधर होगा वही तो इधर होगा, लेकिन बीच वाला दिया हुआ है। तो टोटल असेट निकलता कैसे है, टोटल असेट इक्वल टू टोटल इक्विटी या इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी। तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला ये वाला रखते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वाला, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्विटी इज इक्वल टू इंटरनल एक्सटर्नल कितना है 15,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 33,000।
तो ये 33,000 की टोटल असेट आ गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के लिए पे 33,000। अब आप कह सकते हो कि टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, ये वाला फॉर्मूला, या टोटल इक्विटी। तो टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी, तो टोटल असेट के लिए पे जैसे 33 रख हो गया, वैसे ही टोटल इक्विटी आ जाएगी 33, जो यहाँ वो यहाँ, तो यहाँ का भी आंसर 33,000 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर टू पे, पॉइंट नंबर थ्री पे। पॉइंट नंबर थ्री ये है आपका, असेट दिया हुआ है, इंटरनल दिया हुआ है, ना एक्सटर्नल का पता है ना इसका पता है, तो ये तो आपको पता है ना, तो इतना ही यहाँ भी होगा, इतना जानिए इतना ही यहाँ भी होगा। तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ की फिगर ट्रेस आउट करने के लिए आप लिख सकते हो टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी 36,000 इज इक्वल टू टोटल इक्विटी, तो टोटल इक्वल टोटल इक्विटी इज इक्वल टू 36,000। ये फिगर यहां वाली तो आ गई, इस क्वेश्चन मार्क के लिए पे हो गया 36,000। अब आपके दूसरा वाला फॉर्मूला में तो ये वाली फिगर आ जाएगी, मतलब टोटल असेट इज इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो जब ये इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर 36 होगा, तो मीन्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू 36 माइनस 15, तो टोटल असेट इज इक्वल टू इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल असेट 36,000 इज इक्वल टू इंटरनल 15 प्लस एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं दिया, तो एक्सटर्नल की वैल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू 36,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 21,000। यहाँ क्या आ गया 21,000, इसकी जगह पे आप यहाँ 21,000 फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद फोर पे 42,000, यहाँ 42,000, तो यहाँ भी 42,000, तो यहाँ 42,000 का फिलअप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि टोटल असेट इक्वल टू टोटल इक्विटी, ये हमें इस फॉर्मूले से पता है। तो जब आप लिखेंगे टोटल असेट इक्वल टू टोटल इक्विटी, तो टोटल असेट की वैल्यू आप जैसे 42 रखेंगे, तो 42 इज इक्वल टू टोटल इक्विटी, मीन्स टोटल इक्विटी इज इक्वल टू 42, ये हो गया 42। अब यहाँ पे ये फिगर मिसिंग है, ये हमें पता है कि टोटल असेट इज इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्विटी, तो इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके जब टोटल असेट के बराबर होता है, तो फिर इंटरनल इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल, तो टोटल असेट इक्वल टू ये फोर्थ पॉइंट, टोटल असेट इक्वल टू इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी, टोटल असेट 42,000 इज इक्वल टू इंटरनल नॉट गिवन, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 15, तो इंटरनल इक्विटी इक्वल टू 42,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 27,000। तो आपको यहाँ पे 27,000 की फिगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिख देना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट नंबर फाइव है टोटल असेट इज इक्वल टू 30,000। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी, टोटल असेट की वैल्यू मिसिंग है, तो टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी की वैल्यू 30,000, तो अपने आप ही निकल आया ये टोटल असेट इक्वल टू 30,000। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 30,000। और उसके बाद अब ये फिगर मिसिंग है, तो हमको ये जब पता लग गया है, तो टोटल असेट इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, टोटल असेट
इक्वल टू इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी 30,000 इज इक्वल टू इंटरनल नॉट गिवन प्लस एक्सटर्नल 21,000। तो 30 से 21 माइनस हो जाएगा, इंटरनल इक्विटी इधर आ जाएगा, इंटरनल इक्विटी इज इक्वल टू 30,000 माइनस 21,000 इज इक्वल टू 9,000। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, वो 9,000 की वैल्यू हो जाएगी। ये आपका इस तरह से ये टेबल जितना भी किसी दिया था तो फाइंड आउट हो गया। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो है फ्रॉम 8 to 10। हालांकि मीडियम में मैंने इसको सॉल्व कर दिया है लेकिन फिर भी आप उसको खुद से करेंगे। फ्रॉम 8 to 10 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 to 10। ओके थैंक यू सर, प्लीज अब इसको आप कर दीजिएगा। हाँ कल